3 घंटे लगते हैं एक आदमी को, एक 8 बजे टेबलेट डॉक्टर को, 10-10 बजे डॉक्टर सीट पर नहीं आते, पूरी दवाई नहीं मिल रहा सर। क्यों भाई के 12 बजे जाओ है नहीं मेरे पास, एक दो गोली देता है। क्यों टेम्पर नंबर नहीं आवे, हर आदमी इतनी भीड़ रहे, 2-2 घंटे नंबर नहीं आवे हर जगह जाओ जटे। और किस तरह की परेशानी आती है? 8 बजे टेबल डॉक्टर को, 10-10 बजे डॉक्टर सीट पर नहीं आते। और भाई लाइन एक घंटा जटे जाओ लाइन, एक घंटा लाइन आते पर्ची जब लाइन लागनी पड़े डॉक्टर जाओ पर्ची लाइन में लागना पड़े मरीज बार बार परेशान था। नाम विशाल सिंह। हाँ जी आँख तकलीफ है, आँख दिखाने के लिए आए हैं लेकिन सुबह से 1 घंटे से तो लाइन में नंबर नहीं आ रहा है और पर्ची कटने में बहुत देर लगती है। फिर डॉक्टर साहब पास जाते थे 1 घंटे तक डॉक्टर साहब पास नंबर नहीं आ रहा है और फिर अब 1 घंटे बाद दवाई पर नंबर आ गया। 3 घंटे लगते हैं एक आदमी को, एक छोटा सा इलाज के लिए अगर 3 घंटे लगते हैं, अब 1 घंटे पहले दवाई लेने वाले नंबर पर नहीं आएगा वहाँ। और जब तक हर आदमी जो है और फिर बुढ़े हैं परेशान है, घुटनों में दर्द है, कैसे लाइन में खड़े रहे, इसका समाधान होना चाहिए ना। दवाई तो तुरंत मिलनी चाहिए, पर्ची की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए, पर आदमी को आते ही तुरंत पर्ची तो मिल जानी चाहिए। डॉक्टर साहब नंबर से देखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पर्ची तो मिलने में क्या दे रहे। नाम बताइए आपका। मोहम्मद रमजान। पूरी दवाई नहीं मिल रहा सर। क्यों भाई के 12 बजे जाओ है नहीं मेरे पास, एक दो गोली देता है बस, एक दो गोली देता है। जाँचें करवा ली फ्री करी। अच्छा, 2-3 घंटा लाइन में लागना पड़ता है, समय बहुत। हाँ पग दुख रहा है, खड़ा नहीं रहने आ जाता है, क्या करें। नाम बताइए। छोटू राम है, नागौर जिला। जो है सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन सीनियर सिटीजन के नाते इसमें जो है सब घुस जाते हैं और सीनियर सिटीजन लाइन में ही लगे रहते हैं। कृपया ये जो है जाँच करवाते, इसका समाधान कराएँ। दवाइयाँ तो सर मैं जब भी आया हूँ पूरी मिलती है दवाई, दवाई की कभी कटौती नहीं हुई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये सीनियर सिटीजन की, ये स्पेशल काउंटर है लेकिन यहाँ पर सब जो है घुस जाते हैं। नाम बताइए। दिनेश अग्रवाल। अजी डॉक्टर के लिए मतलब कोई जानकारी लेनी पड़े भाई, गांड का ही बेटा है, कतरीवार कदन बेटा है, उनके लिए। और क्या दिक्कत है अभी दवाई वगैरह? दवाई भी समय अनुसार, बुजुर्ग आदमी है उनको समय अनुसार मिल जानी चाहिए ना। नाम बताओ। एक दूसरा मार्गदर्शन कर ले। नाम बताओ। नाम आपका। हाँ नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? लाभचंदन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट अभिभाषण में तथा कल उस परिप्रेक्ष्य में एक पत्र राज्य सरकार से निकला जिसके तहत आज से सारी जांचें, ओपीडी के पैसे, इंडोर के पैसे, ये सब मरीज को नहीं देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें निशुल्क होंगी। आउटडोर की स्लिप के पैसे, इंडोर बेड टिकट पर जो चार्जेस थे वो, और सब तरह की जांचें, जिसमें जितनी भी ब्लड की जांचें हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट की जांचें हैं, हार्ट के यहाँ हमारी इको TMT होती है, CTS होता है, MRI होती है, ये सभी तरह की जांचें अब निशुल्क होंगी, मरीज को इसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दवाइयाँ वहाँ पर सब दवाइयाँ नॉर्मली हमारी MNDY में सारी दवाइयाँ हम मरीज को फ्री ही देते थे। अब इस आदेश के बाद अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि उनको कोई दवाई ऐसी है जो MNDY में नहीं है, वो भी दवाई RMRS से हम लोग खरीद के मरीज को मुहैया कराएंगे, उसका भी मरीज को कोई चार्ज नहीं लगेगा और सारी चीज़ें हम उनको फ्री देंगे।